सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। राजधानी में ठंड से बच्ची सहित तीन की मौत। फिलहाल तीन दिन तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत। अनाथ बच्चों के लिए शहर में खुलेंगे दो आश्रय गृह। पढ़ाई के साथ मनोरंजन की भी होगी व्यवस्था। सौंदर्यीकरण के कार्य पर मौसम का पड़ा असर। हजरतगंज व लालबाग में रुका सड़क का निर्माण। छावनी के रजवन बाजार में चला बुलडोजर। कार्रवाई के विरोध में जनता ने किया हंगामा। आशियाना में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से किया इनकार। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्र व शिक्षक हुए सम्मानित। नवीन गल्ला मंडी पर आयकर का छापा। ठाकुरगंज पुलिस ने पकड़े किडनैपर्स। चौदह फरवरी से शुरू होगी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग। बेमान जगदीश कानी शिक्षाविद। ज्योतिष विशेष में जानकारी देंगे पंडित संतोष कुमार शुक्ला। स्पेशल स्टोरी में भूकंप पर हुई मॉक ड्रिल। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार फिटनेस, बुधवार विज्ञान, गुरुवार चिकित्सा, शुक्रवार खेल विशेष और शनिवार ज्योतिष। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं, वो विशेषज्ञों का अपना मत है। इसमें उजाला सिटी न्यूज का अपना कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। श्री जय नारायण पीजी कॉलेज में आज संस्थापक दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने 28 छात्रों एवं 5 शिक्षकों को सम्मानित किया। जय नारायण पीजी कॉलेज में आज संस्थापक दिवस समारोह की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष पीएन मिश्रा द्वारा की गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर एसडी शर्मा ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने 28 छात्रों एवं 5 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक जीसी शुक्ला उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। संस्थापक दिवस समारोह 8 जनवरी को हर वर्ष हमारे यहाँ मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने जितने शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी इस वर्ष रिटायर होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। और इस वर्ष हमने 28 पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें हमारे सारे जो साथी हैं शिक्षकगण हैं उनके द्वारा और प्रबंध तंत्र के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किए गए हैं। और जो भी हमारे छात्र छात्राएं अपने क्लासेस में या अपने संकाय में प्रथम आते हैं या NSS और NCC के जो वॉलंटियर्स हैं वो जो सदस्य होते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। और इसके अलावा कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं दिव्यांगों और मेधा संवर्धन, उसमें जो सर्सेस होते हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुल मिला के 28 छात्राओं को, 5 शिक्षकों को और 5 शिक्षण कर्मचारियों को तथा 5 शिक्षकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित इस वर्ष किया है। सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में सर्वे करने गई आयकर विभाग की टीम को व्यापारियों ने बंधक बना लिया। पुलिस ने व्यापारियों को खदेड़ कर आयकर अफसरों को मुक्त कराने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटनाक्रम के उपरांत आयकर विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। प्याज की कालाबाजारी की सूचना पर आयकर विभाग की टीम शुक्रवार को सर्वे करने के लिए नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड पहुंची, जहां व्यापारियों ने विरोध करते हुए टीम को बंधक बना लिया। इस खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस अफसर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आयकर टीम को मुक्त कराकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के संबंध में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आयकर की टीम द्वारा बाद में छापे की कार्रवाई शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज।
यहाँ पर अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में आज आयकर का छापा था। जैसा मुझे अभी आयकर अधिकारियों से ज्ञात हुआ है, ये पूरे देश भर में जो है पैरेलल रेट्स यहाँ डाली गई थी। अभी स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों ने उस आयकर टीम को बंधक बना लिया है, गेट को ब्लॉक करके उनके कर्मचारियों को और उनकी गाड़ियों को अंदर ब्लॉक कर लिया गया है और पूरी तरीके से सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जा रही थी। जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो भीड़ थी उनसे बातचीत करने पर कोई हल निकलता हुआ उसमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो भी उन्होंने उनके कागज जब्त किए थे वो यहाँ के जो स्थानीय नेता है, मंडी से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे, वो ये कह रहे थे हमारे कागज वापस करें, जबकि नियमानुसार गलत था। पचास लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किए गए छात्र आसिफ उर्फ तालिब को ठाकुरगंज पुलिस ने किडनैपर्स के चुंगल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने एक महिला सहित तीन किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। ठाकुरगंज थाना अंतर्गत कैंपल रोड स्थित न्यू हैदरगंज से गुरुवार को ठेकेदार चांद मियां के पुत्र आसिफ उर्फ तालिब को घर के पास से अपहृत कर लिया गया। गुरुवार को रात में चांद मियां के फोन पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस घटना से ठाकुरगंज पुलिस को अवगत कराया गया। ठाकुरगंज पुलिस ने किडनैपर्स की तलाश में जाल बिछाया। ठाकुरगंज एवं काकोरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो किडनैपर्स व एक महिला को गिरफ्तार कर आसिफ को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जमाल और ठेकेदार चांद मियां रिश्तेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आज दिन में करीब 12 बजे थाना ठाकुरगंज पर सूचना प्राप्त हुई और ये सूचना दी गई चांद मियां के द्वारा, जो कैंपबेल रोड थाना ठाकुरगंज के निवासी हैं, कि उनका लड़का आसिफ, जिसकी उम्र 13 वर्ष है और जो ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल न्यू हैदरगंज कैंपबेल रोड में कक्षा 8 का छात्र था, वो कल घर से बाहर निकला था करीब शाम 4 बजे, तब से गायब है। उन्होंने रात भर कई काफ़ी जगहों पर उसे खोजबीन की थी, कहीं पता नहीं चला। और सवेरे उनके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आया और कॉलर ने उनको बताया कि उनका बच्चा उनके पास है और उसके बदले उनको 50 लाख रुपये चाहिए। मिथवा फाउंडेशन हाउस के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म माइल तोरा से प्यार के निर्माता धर्मेंद्र कुमार मौर्या ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 14 फरवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भोजपुरी फिल्म भइल तोहरा से प्यार के निर्माता धर्मेंद्र कुमार मौर्या ने बताया कि 14 फरवरी से फिल्म की शूटिंग लखनऊ व प्रदेश के अन्य जनपदों में होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म के मुख्य कलाकार विनय आनंद व रूबी सिंह के अलावा पूजा सिंह, उत्तम तिवारी, उपासना सिंह व मेहनाज आदि हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। इसका मतलब हुआ गाँव के बीच से जो चाहे बाप भाई के बाप माता बेटे के ऊपर प्यार खत्म हो रहा है, या आप कह लीजिए पत्नी में प्रेम खत्म हो रहा है, या आप कह लीजिए एक गांव दूसरे के प्रति जो प्रेम खत्म हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या कुर्तियां हैं उसको हटाया जाए और किस पे अपने को संजीव करके ये क्या उचित होगा कि थोड़ा इधर से लेके आप थोड़ा मॉडर्न लेके सोसाइटी एक नई न्यू रखने प्रोजेक्ट है और ये 35 एमएम की है और इससे पहले मैंने सीरियल में असिस्टेंट का काम किया था। मुंबई जी, कब तक तैयार हो जाएगी आपकी ये? तैयार आपका लगभग मई के जून में हो जाएगा, मार्केट वैल्यू देखते हुए, या तो मैं मई के जून आसपास में रिलीज करूंगा या नहीं तो सितंबर। कितने बजट की होगी इसकी? बजट लगभग 70 के आसपास की है। 70? फाइनेंस कौन कर रहा है इसको? फाइनेंस हमारे कुछ दोस्त हैं, शेयर सिस्टम से कुछ हम लगा रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त। मंजूषा परिषद एवं अखिल भारतीय अगीत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गांधी भवन के सभागार में डॉक्टर मंजू शुक्ल के साहित्यिक में नारी चेतना विषय पर गोष्ठी हुई। इसकी अध्यक्षता हिंदी संस्थान के पूर्व निदेशक विनोद चंद पांडे ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शताब्दी पर मंजूषा परिषद एवं अखिल भारतीय अगीत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी में नारी चेतना विषय पर विचार व्यक्त किए गए। गोष्ठी में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रमुख डॉक्टर सरला शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर काव्य गोष्ठी भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। महिलाओं का कार्यक्षेत्र रहा है मेरा, महिलाओं में दक्षता विकास और साक्षरता विकास, उनके स्वावलंबन की बात। तो जो मेरी कविताएं हैं और जो मेरी कहानियां और निबंध संग्रह हैं
वो सब इसी क्षेत्र की महिलाओं से, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से और असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं की बात करते हैं, उनकी जिजीवशा की, उनकी लड़ाई की, किस प्रकार वो स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को और अपने परिवार को आर्थिक उन्नयन की ओर ले जाती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए आगे लाती हैं। इसी को लेकर सारे ताने बाने बुने गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को साक्षरता तो दी ही जाए, साथ में दक्षता विकास की बात की जाए, छोटे छोटे हुनर उन्हें सिखाए जाएं, जिससे वो खाली टाइम में महिला मंडल बना